अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटन कलेजी। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक पतीला और उसमें एक टोप है और इसमें हमने डाल दिया है 3 से 4 बड़े चम्मच तेल और ये थोड़ा गर्म मसाले हैं जिसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा है, 1 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 4 से 5 लौंग, 8 से 10 दाना काली मिर्च का और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। उसके बाद हमने 1 बड़ी साइज के प्याज को तरह से पीस के पेस्ट बना लिया था, तो प्याज के पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। और इधर हमने कलेजी को अच्छे से धो के साफ करके और इसे हम कुकर में डालकर और 1/2 कप पानी डालकर और इसे हम रख देंगे उबलने के लिए। और उसके बाद प्याज हमारे कलर चेंज हो गए हैं, इसमें हमने 1 से 1.5 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है इसमें हरी मिर्च बारीक दरदरी ऐसे कुटी हुई, और उसके बाद 1 बड़े साइज का टमाटर हमने इस तरह से कट करके डाल दिया है। तो इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद मसाले लेंगे जिसमें 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच है गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है लाल मिर्च पाउडर और नमक 1 चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। हमने हरी मिर्च का भी पेस्ट डाला है और लाल मिर्च का भी, तो अपने हिसाब से नमक और मिर्च एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो मिक्सर के कटोरे में हमने प्याज पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे ताकि मसाले हमारे नीचे से जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। तो इसको चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे स्लो आंच पर। और इधर 2 से 3 सीटी आ गई है हमारे कलेजी गल गई है और जो है इसमें थोड़ा बहुत स्मेल जैसे रहता है तो उबालने से उसकी स्मेल भी चली जाती है। तो इसको हमने उबाल के रख दिया है और उसके बाद मसालों को हम अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, देखिए तेल भी छूटने लगा है इसमें। तो हम अपना बॉइल किया हुआ कलेजी जो हमने रखा था बॉइल करके उसको हम इसमें डाल देंगे और इसे इस तरह से मिक्स करते हुए 1-2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। उसके बाद इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे क्योंकि इसे हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं है, तो पानी हिसाब से ही डालना है। कलेजी हमारी पहले से ही गली हुई है, बस इसमें हम थोड़ा सा 1-2 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और उसके बाद इसको हम एक बार मिक्स करके और इसको ऊपर से हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी हरा धनिया। तो बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसान है इसे बनाना, एक बार जरूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हरा धनिया डालकर इसे हम मिक्स करेंगे और इसे सर्व कर देंगे। तो आप लोग इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही जबरदस्त सी कलेजी बनकर तैयार हुई है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।